हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद अर्णव। मैं हूँ अर्णव और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर डिजिटल क्लॉक कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे डिजिटल क्लॉक बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार के लिए एक ये एम्प्टी बॉक्स है, मैं आपको इसका सोर्स कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने एक क्लॉक पहले से बनाकर रखी हुई है, लेकिन मतलब एक बार वो एकदम एम्प्टी है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक बार मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग लगा कर रखा हुआ है, तो उसके अंदर मैं एक बार सिंपल सी एक जावास्क्रिप्ट लिखूंगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम रखते हैं जैसे कि गेट टाइम। मैं एक बार फंक्शन का सिर्फ नाम लिख रहा हूँ ये। तो गेट टाइम फंक्शन के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। वेरिएबल मैं इसका नाम रखता हूँ मैं डेट। फिर मैं इसका वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ मैं टाइम। टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट। इसमें डेट क्या आई, मतलब ये एक बार हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम डेट जैसे करंट टाइम को गेट कर सके, एग्जैक्ट टाइम को। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अब मैं इसके आर्ट्स को मैं गेट करूंगा। वेरिएबल आर्ट्स आर्ट्स इज इक्वल टू टाइम डॉट गेट आर्ट्स। तो ये इतना ईजी है। यहाँ पर आर्ट्स को हमने गेट किया टाइम डॉट गेट आर्ट्स से, ऐसे हम इसको गेट करेंगे। आर्ट्स के बाद क्या आता है, मिनट्स इज इक्वल टू टाइम डॉट गेट मिनट्स। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे इसके बाद चाहिए सेकेंड्स। वेरिएबल सेकेंड्स इज इक्वल टू टाइम डॉट गेट सेकेंड्स। तो ये इतना ईजी है यहाँ पर ये। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर गेट तो बोल दिया, लेकिन मैं इसको अपनी क्लॉक में कैसे शो करूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक बार गेट करता हूँ इसको। वेरिएबल क्लॉक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी। तो उसकी आई डी क्या होगी यहाँ पर, उसकी आई डी है यहाँ पर क्लॉक। मैं डिव के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे इसकी आई डी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक। तो मैं इसका आई डी करूँगा क्लॉक। और उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं उसके बाद करूँगा यहाँ पर क्लॉक डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू। तो मैं इसका इनर एच टी एम एल मैं कैसे सेट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए। अब तो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को इसके आर्ट्स को शो करना है, तो मैं करूंगा आर्ट्स प्लस, उसके बाद मुझे एक कोलन शो करना है एक स्पेस के बाद प्लस। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर, मिनट्स प्लस फिर एक कोलन फिर से, और उसके बाद आएगा सेकेंड्स। तो उससे क्लॉक के अंदर इनर एच टी एम एल भी लग चुका है, तो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं इसके बाद, गेट टाइम। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वाला। तो अब चेक करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जैसे 20 यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर 8 o'clock हो गए, तो वर्क 20 दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अपडेट नहीं कर रहा है। तो अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, एक सेट इंटरवल मेथड लगाते हैं यहाँ पर, सेट इंटरवल। तो फंक्शन का नाम है गेट टाइम, और ये कितने कितने मिली सेकेंड बाद कॉल हो, तो मैं यहाँ पर करूँगा 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो उसके अंदर ये क्या करेगा, तो ये हर एक सेकेंड बाद ये कॉल करेगा फंक्शन को। तो यहाँ पर एक और चीज करते हैं हम, जैसे यहाँ पर अभी 20 लिखा आ रहा है, मैं चाहता हूँ जैसे अभी PM है, तो यहाँ पर 20 की जगह यहाँ पर 8 लिखा आ जाए, तो मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये आर्स है ना, यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर इफ आर्स इज ग्रेटर देन, अगर आर्स है वो अगर ग्रेटर देन है 12 से, तो क्या करें, आर्स इज माइनस इक्वल टू, या फिर हम कह सकते हैं आर्स इज इक्वल टू आर्स माइनस 12। जैसे कि मान लो अगर आर्स हो मान लो मेरे 13, तो 13 को क्या करेगा, तो 13 में से माइनस 12 कर देगा, क्योंकि 13 12 से बड़ा है। अगर 12 से बड़ा हुआ तो माइनस 12 कर देंगे इसमें। तो इतना सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं जैसे 8:26 एकदम एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर भी 8:26 है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।